के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, नई शराब नीति मामले में केजरीवाल से पूछताछ करेगी सीबीआई। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीबीआई ने 16 अप्रैल को केजरीवाल से पूछताछ के लिए बुलाया है। 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाया गया है। बड़ी खबर दिल्ली से आपके सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। नई शराब नीति मामले में केजरीवाल से भी अब पूछताछ करेगी सीबीआई और इसके लिए 16 अप्रैल को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। केशव, क्या कुछ जानकारी है? बताया जा रहा है कि अब नई शराब नीति को लेकर के अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ होगी। देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया इस वक्त घिरे हुए हैं, वहीं एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां शराब नीति मामले में अब जो है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। आने वाली 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या सीबीआई के सामने अरविंद केजरीवाल पेश होंगे और इन तमाम बातों पर अपना जवाब देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब से कुछ देर के बाद आम आदमी पार्टी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसकी घोषणा अब से कुछ देर के बाद हो सकती है, क्योंकि जहां सत्येंद्र जैन का जिक्र करें उसके बाद मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल पर कहीं ना कहीं सीबीआई की पूछताछ की जो खबर निकलकर सामने आ रही है, इसने सभी को चौंका दिया है। बिल्कुल केशव, ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बढ़ती ही चली जा रही हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया जिस तरीके से लगातार पूछताछ के दायरे में गए और उसके बाद जेल तक का सफर उनको करना पड़ा और अब कहीं ना कहीं ये जो पूरा शिकंजा है वो अरविंद केजरीवाल पर कसता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से जहां मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई इस वक्त चल रही है और ऐसे में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है, वहीं इस बीच ऐसी खबर का सामने आना जरूर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। अब ऐसे में देखना ही होगा कि आखिरकार इस पूछताछ के माध्यम से क्या सीबीआई अरविंद केजरीवाल को बुलाकर पूछताछ करेगी, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी और इस पूरी पूछताछ वाली प्रतिक्रिया पर आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये अब से कुछ देर के बाद निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। केशव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपसे थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, इसी मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बड़ी खबर आपको बता दें कि आपके सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। नई शराब नीति मामले में केजरीवाल से भी अब सीबीआई पूछताछ करेगी और 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई की तरफ से ये बुलाया गया है और सीबीआई पूछताछ करेगी, लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर के अब से कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और इस प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ आम आदमी पार्टी अपने बयान जारी करेगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी अब सीबीआई पूछताछ करेगी। नई शराब नीति मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल को करेगी 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ करेगी सीबीआई। ये बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है दिल्ली से। बड़ी खबर इस वक्त की आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी अब सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। नई शराब नीति मामले को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी घेरती नजर आई आम आदमी पार्टी सरकार को और अब इसी बीच और भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की।